ट्रेन से गुजरात, राजस्थान, केरल, गोवा, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर से नागपुर आने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट है या नहीं, इसके लिए मनपा पूरी तरह से चौकस है। नागपुर रेलवे स्टेशन पर मनपा ने टीम तैनात की है जो स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों की आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट पर नजर बनाए हुए है। ब्रेक द चेन मुहिम के तहत उक्त राज्यों की यात्रियों को अनारक्षित टिकट नहीं देने के निर्देश राज्य सरकार ने रेलवे को दिए हैं। इसके अलावा स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। रेलवे ने यात्रियों की आरटीपीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट जांच की व्यवस्था नहीं होने का हवाला देते हुए यह जिम्मेदारी मनपा से उठाने का अनुरोध किया था। पश्चात मनपा की टीम को रेलवे स्टेशन, रेलवे सूत्रों के मुताबिक गोवा और उत्तराखंड से नागपुर के लिए नहीं है। कोरोना संक्रमण बाद महाराष्ट्र सरकार ने जे ब्रेक द चेन हा एक मोहिम चालवली आहे। तर मोहिमेनुसार जे नियम लादण्यात आले आहेत त्याच्या एक रेल्वे प्रवाशांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। या नियमानुसार गुजरात, राजस्थान, केरळ, गोवा, उत्तराखंड आणि दिल्ली या शहरातून, या राज्यातून येणाऱ्या प्रत्येक प्रवाशाला आरटीपीसीआर निगेटिव्ह रिपोर्ट असणे आवश्यक आहे। त्या ती रिपोर्ट चेक करण्यासाठी एनएमसीची एक टीम रेल्वे स्टेशनवर तैनात करण्यात आलेली आहे। समजा ती रिपोर्ट त्यांच्याजवळ नसेल तर त्यांना परत त्यांच्या मूळ गावी पाठवण्यात येणार आहे, असा एक मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे। त्यामुळे या 5 ते 6 राज्यातून जोही प्रवासी नागपुरात प्रवेश करत असेल किंवा नागपुरातून दुसऱ्या राज्यात जो प्रवासी प्रवेश करत असेल त्यांना आरटीपीसीआर टेस्ट करून त्याची निगेटिव्ह रिपोर्ट सोबत असणं अत्यंत आवश्यक आहे। त्यामुळे रेल्वे प्रवाशांमध्ये कुठेतरी एक भीतीचं वातावरण आहे। त्यामुळे आपण पाहू शकत असाल रेल्वेमध्ये सुळसुळाट आहे, यात्रीची कमतरता इथे दिसतात आहे। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोडसह अभिषेक पानसे, NBC News नागपूर।